नमस्कार दोस्तों, कबूल है फेम एक्टर्स करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति की लव स्टोरी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने कुछ मुख्य और एक मेन बात बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही चल चुका होगा कि सुरभि ज्योति और करण सिंह ग्रोवर जो कि कबूल है के सेट पर एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। उनकी नज़दीक इस कदर बढ़ चुकी थी कि एक दूसरे के काफ़ी करीब आने के बावजूद भी किसी को कानों कान भरनक नहीं लग सकी। लेकिन आप लोगों को बता देता हूं कि जिस तरीका से कबूल है सीजन वन में करण सिंह ग्रोवर एक किरदार निभा रहे थे असद अहमद खान और सुरभि ज्योति निभा रही थी मिस जोया फारूकी का, ये कबूल है सीजन वन में किरदार निभा रहे थे दोनों एक्टर्स करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति। इसी बीच ये दोनों एक बार फिर नज़दीक आ गए थे, नज़दीक इतने आ गए थे एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे जो कि ऑडियंस को इनका नज़दीक आना काफ़ी पसंद भी आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की भनक मेकर्स को लग चुकी थी, इसीलिए उन्होंने करण सिंह ग्रोवर को कबूल है सीजन वन से निकाल दिया था। लेकिन कबूल है सीजन वन से जैसे ही करण सिंह ग्रोवर हटे थे उसके बाद में ये शो की TRP लगातार गिरती चली गई। TRP गिरने के बाद में हालांकि दूसरी बार करण सिंह ग्रोवर को फिर से आने का मौका दिया, लेकिन करण सिंह ग्रोवर ने आने से साफ मना कर दिया, क्योंकि जिस तरीका से करण सिंह ग्रोवर ने कबूल है सीजन वन में एक किरदार निभाया था और उन्हीं की वजह से करण सिंह ग्रोवर की वजह से ही कबूल है सीजन वन सुपरहिट किरदार में से सुपरहिट सीरियल में से भी गिना जाता है। और उस करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति की बदौलत ही कबूल है सीजन वन TRP के मामले में भी हाई रेटिंग एपिसोड हो चुका था जो कि इस सीरियल की TRP सबसे ज़्यादा थी। और बात करें करण सिंह ग्रोवर की तो करण सिंह ग्रोवर ने अपनी एक्स वाइफ यानी आप जानते होंगे जेनिफर विकेट को यहाँ तक कि डिवोर्स भी दे दिया था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था जो कि कहीं ना कहीं उन्होंने बिपाशा बसु से शादी कर ली। लेकिन जिस तरीका से करण सिंह ग्रोवर और इधर आपकी फेवरेट जो कि सुरभि ज्योति एक दूसरे के ये दोनों एक्टर्स काफ़ी नज़दीक जा चुके थे, कहीं ना कहीं ऑडियंस को फैंस को ये काफ़ी पसंद भी आ रहा था कि ये दोनों एक्टर्स एक दूसरे के नज़दीक जा रहे हैं। इस बात की बात करें तो करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति जो कि कहीं ना कहीं सेट पर शूटिंग होने से काफ़ी टाइम पहले आ जाया करते थे, शूटिंग ख़त्म होने के बाद एक दूसरे को ड्रॉप भी किया करते थे। करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति की कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अभी तक आपको नहीं पता होगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल आप लोगों को बता देता हूँ, करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति एक ऐसे कपल्स के रूप में देखे जाते हैं जो कि एक दूसरे का काफ़ी ख्याल भी रखते हैं, क्योंकि करण सिंह ग्रोवर की बात करें तो उन्होंने सुरभि ज्योति का काफ़ी ख्याल भी रखा सेट पर। सुरभि ज्योति भी इस बात को खुद मानती हैं कि करण सिंह ग्रोवर ने मेरा काफ़ी ख्याल रखा है, यहाँ तक कि करण सिंह ग्रोवर का ख्याल सुरभि ज्योति ने भी रखा है। लेकिन बात की जाए तो करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति की जिस तरीका से GTV के सीरियल कबूल है में एक बॉन्डिंग देखने को मिली थी, आज तक किसी भी एक्ट्रेस की इस तरीका से बॉन्डिंग देखने को नहीं मिली। ये बॉन्डिंग लाजवाब और एकदम जबरदस्त बॉन्डिंग दिखाई थी जो कि कहीं ना कहीं ऑडियंस को इनकी बॉन्डिंग काफ़ी पसंद भी आ रही थी। जिस तरीका से इन दोनों का प्यार था कहीं ना कहीं देखा गया था कि लोगों ने इनको काफ़ी पसंद भी किया था, काफ़ी हद तक ये शो TRP में भी नंबर वन की रेटिंग में हमेशा से ही छलकता आया। यहाँ तक कि सुरभि ज्योति की बात की जाए तो उस टाइम पे सुरभि ज्योति को जब कबूल है सीजन वन चल रहा था बिग बॉस ऑफर हुआ था, लेकिन करण सिंह ग्रोवर के साथ ना छोड़ने के लिए उन्होंने बिग बॉस का ऑफर ठुकरा दिया और फाइनली करण सिंह ग्रोवर के साथ में कबूल है सीजन वन करने के लिए एग्री हो चुकी थी। हालांकि बाद में करणवीर बोरा ने इस शो में एंट्री ली थी, लेकिन जिस तरीका से करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति ने इस शो को काफ़ी हद तक ऊपर लेवल तक ले आए थे उस तरीका से कोई और नहीं ले पाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब।